अगर एक शख्स ने अपना कपड़ा खरीदा, लिबास, 10 दिरहम का लिबास खरीदा, उस 10 दिरहम में 1 दिरहम हराम का था और 9 दिरहम हलाल के थे। फरमाया 1 दिरहम अगर हराम का था तो जब तक वो लिबास उसके तन पर है उसकी नमाज कबूल नहीं, नमाज कबूल नहीं। धोखे से कमाना, हेरा फेरी से कमाना, किसी की सादगी को एक्सप्लॉइट करके कमाना, झूठ बोल के कमाना, अजानी से कमाना, मकारी से कमाना, हेरा फेरी से कमाना, खा वो दीन के नाम पर हो या दुनिया के नाम पर, वो लुक्मा हराम है। ये दुआएं कहां से कबूल हैं? सीदना सिद्दीक पर रजी अल्लाह तआला ने, वो किसी ने खाना पेश किया, आपने खाया, हदिया आया था, तोहफा आया था, बाद में किसी ने बताया ये फलां शख्स का खाना है, वो काहिन था, कहानत करता था, जैसे जादूगरी सिफली अमलिया वो करता था, उसके घर से आया, जब आप वो पता चला तो आप हैरान हो गए, परेशान हो गए, फरमाया मुझे पहले क्यों नहीं बताया, उंगली डाल के तय करके खाया हुआ खाना निकाल दिया। हम कितने मोहताज हैं लुक्मा हलाल को बरकरार रखने, हम तो होप्स का मजहब और दीन बन गए, सब उम्मीदों का, सबके बेड़े पार है, सबने मकसद जाना है, सबकी जमात है, आकर इस्लाम की तबली की रीति है, सारे सारे सीधे जंगत में जाएंगे, किसी को हुजूर होश पार्क में जाएंगे, किसी को हुजूर दाता गंज बख ले जाएंगे, किसी को ख्वाजा गरीब नवाज ले जाएंगे, किसी को बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर, किसी को ख्वाजा निजामुद्दीन मौलिया, अला आजल क्या, चलते चलते भले कोई मिनाजर कुरान में समझे को मेरा नाम ले डाले, कोई किसी और अपने शहर का नाम ले डाले, ये ले जाएगा ले जाए, ये जो हमने तस्वुरात बना ली है ये बगैर कसूर और जवाबत और कवायद के नहीं, हम अपने नफूस को धोखा दे रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, अल्लाह की नाफरमानी करके, उसकी हुदूद को तोड़ कर, उसके अहकाम को तोड़ कर, शरीयत को पामाल करके और अल्लाह रसूल के कानून तोड़ कर हम उम्मीदें अपनी मर्जी से बना के बैठे हैं। इसलिए ईमान बटोरने के लिए हमने लोगों को ये तस्वुरात दे दिए, अपना धंधा चलाने के लिए, अपने रोजगार के लिए लोगों को तस्वुरात दे दिए ताकि लोग हम पे पैसे लुटाएं बरसाएं। ये शर्त, फिर इसके बाद एक और शर्त है दावत की, दुआ की कबूलियत की, वो ये कि जब दुआ करें तो कल्ब गाफिल ना हो, ऐसा ना हो कि अल्लाह को पुकार रहे हैं और दिल आपका किसी और ख्याल में, दिलो दिमाग किसी और ख्याल में मगा है, जुबान से अल्लाह अल्लाह या रब या रब या मौला पुकारा जा रहा है और दिलो दिमाग किसी और जगह अड़ा हुआ है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाया मैं तुम्हारे अल्फाज ही सिर्फ नहीं सुनता, तुम्हारे दिल कहाँ जुड़े हुए हैं उनको भी देखता हूँ। तो फरमाया जो शख्स وَعَلَمُ أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءً مِنْ قَلْبِ غَافِلٍ لَا إِنْ، جس شخص کا دل غافل ہے اور لہو لعب میں کھیلتا ہے ان جگہوں کے ساتھ جو میں نے جو مجھے پسند نہیں، دعا میری پاس بیٹھا کر رہا ہے دل کہیں اور کھیل رہا ہے، اللہ چاہتا ہے کہ تمہارا جسم اور تمہاری زبان، تمہارا دل اور تمہارا لب، تمہارا جناب اور تمہاری مان، وہ ایک ڈائریکشن پہ آ جائے، अलाइनमेंट सही होनी चाहिए। हम मुंतशिर हैं, हमारी दुआ के वक्त भी हमारे वजूद मुंतशिर होते हैं, नहीं सारा वजूद यकजा हो जाए, इसे जमा कहते हैं, हर चीज यकजा एक डायरेक्शन पे आ जाए, ये दुआ की शर्त है। फिर उसके बाद आगे पांचवी शर्त और जो बयान की वो ये कि दुआ करे तो दुआ में इस्तेजाब न करे, जल्दी ना करे, ये तलब न करे कि फौरी तौर पर मेरी दुआ कबूल हो, फौरी तौर पर मेरी दुआ कबूल हो, यह कायदा नहीं, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की मर्जी है, वो दुआ फौरी कबूल करे या दुआ को आगे कर दे, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की मर्जी है, ये उसका फैसला है, हम अपनी मर्जी से दुआओं की कबूलियत मांगते हैं, टाइम अपनी मर्जी से मुकर्रर करते हैं, टाइम मर्जी से मुकर्रर करते हैं, दुआ में जो मांगते हैं वही मिले, फरमाया नहीं, इसको मैं एंड पर लेता हूं। इसके साथ वो एक शर्त ले लें, रद्दुल मज़ालिम इला अहलिहा,
अगर किसी से जुल्म किया है और चाहते हैं कि दुआ कबूल हो, उस जुल्म की तलाफी करो, हक तलफी जो की है उसकी हक की अदायगी करो, जिससे ज्यादती की है उसकी तलाफी करो, उसका हक अदा करो, न सिर्फ माफी मांगो हक अदा करो। और जुल्म के बहुत से अबवाब हैं, यानी किसी की गीबत करना भी जुल्म है, चुगली करना भी जुल्म है, किसी से हसद बुख की वजह से बुरे अमल